CAA और NRC को लेकर खींचातान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व पर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ की नजर में 130 करोड़ की आजादी जो है आबादी जो है माफ कीजिएगा वो हिंदू है। भारत में लोगों की संस्कृति और धर्म चाहे जो भी हो वो हिंदू है। भागवत ने आगे कहा कि जो राष्ट्रवादी हैं, जो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, वे सब हिंदू हैं। सभी समाज हमारा है और संघ सबको एक करना चाहता है। भारत देश परंपरा से हिंदुत्ववादी है। तो हमारा देश परंपरा से हिंदुत्ववादी है। हमारे देश की सब बातें उसी को परिलक्षित करती है। मैं हिंदू कहता हूं तब किसी को छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे तीन बातें हैं। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, उसकी भक्ति करता है, इस भारत के सर्वसमावेशक सर्व स्वीकार करने वाली उदार मानवता संस्कृति को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, और भारत की यह नीति पूर्वक संस्कारों को अनुशासन को मानने वाली मनुष्य जीवन में मंगल सृजन करने वाली संपूर्ण सृष्टि को मित्र भाव से कल्याण की ओर अग्रसर करने वाली यह जो श्रेष्ठ संस्कृति है, देश काल परिस्थिति अनुरूप आचरण का जो अपने जीवन में आचरण करके पुरस्कार करता है, ऐसा कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है।